मुंगेर जिला के 9 प्रखंडों में से तारापुर और खड़गपुर अनुमंडल के 5 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं किसान ने किसी तरह खेतों में धान की फसल तो लगा दी, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण खेतों में दरार पड़ गई है, जिसके कारण किसान चिंतित हैं। असरगंज प्रखंड के किसानों की माने तो उनका कहना है कि बची हुई पूंजी लगाकर खेतों में धान की फसल लगाया था, लेकिन खेतों में दरार पड़ गई है, जिसके कारण फसल सूख रही है। उनके पास कोई साधन नहीं है जिससे धान की फसल को बचाया जा सके। हो रहा है, हम लोग क्या करें, कर्जा लेकर धान लगाए हैं, वर्षा नहीं हो रहा है, नहीं तो जी हत्या हम कर लोग कर लेंगे इस स्थिति में। वहीं एक अन्य किसान ने बताया कि मध्यम और निम्न वर्ग के किसानों के सामने जटिल समस्या है। धान की उपज नहीं हुई तो वे अपने परिवार को कहां से खिलाएंगे और अपने पशुओं को हरा चारा कहां से दे पाएंगे। वहीं संग्रामपुर प्रखंड के किसान सुशील कुमार सिंह बताते हैं कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर खेतों में धान की फसल लगाया था, लेकिन खेतों में दरार पड़ गई है। वहीं टेटिया बंपर प्रखंड के किसान गुरुदेव सिंह कहते हैं कि उन्होंने कर्ज लेकर खेतों में धान की फसल लगाया है, ना ही अब तक डीजल अनुदान मिला है, ना ही कोई अन्य लाभ। दरार फट के धान कौची मर रहा है, सरकार से बैंक से लोन लिया है खेती करने के लिए, पूंजी लगा दिए, सरकार को क्या देंगे, परेशान है पानी के लिए, देखिए दरार फट गया तो कौची मर रहा है, हम लोग रो रहे हैं, क्या करें, गरीब आदमी लोन भी लिए वो भी जा रहा है, कहाँ से पैसा देना सरकार को। खेतों में लगी धान की फसल सूख गई है, इसी कारण कहीं उन्हें परिवार समेत कोई अनिष्ट कदम ना उठाना पड़े, इसकी चिंता उन्हें सता रही है। इस बार तो सुखाड़ आ गया है, इस बार तो खाने पीने भी आफत हो गया है, बिछड़ा बाल किसी तरह बचाए थे बोरिंग से, लेकिन वो भी जल करके खत्म हो गया, अब तो खाने पर भी आफत है, अब हम लोग क्या करेंगे, सरकार से भी जो कोई सहायता नहीं मिलता है। वहीं तारापुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी कहते हैं कि बिहार में किसानों की स्थिति बुरी है। उन्होंने कहा कि अपने विधानसभा में किसानों के हाल की जानकारी मुख्यमंत्री को दे दी है, जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। जो स्थिति आज जिस जो किसान भाई लगा भी दिए हैं धान, बड़ी बुरी स्थिति है, खेतों में दरार आने लगी है, और इसको लेकर के हमने कई बार मंत्री जी को भी चर्चा की है, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दूरभाषा से अवगत कराई है कि सर तारापुर विधानसभा की हालत बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, खराब है, खास करके वर्षापात इतनी कम हुई है तारापुर, मुंगेर जिला में सबसे कम वर्षापात अगर हुई है तो तारापुर में हुई है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान तारापुर व खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति पाई गई है, जांच कर फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। मुंगेर के 5 प्रखंडों में बारिश के इंतजार में खेतों में लगी धान की फसल सूख रही है, खेतों में दरार पड़ गए हैं, किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब बिहार सरकार का निर्णय किसानों को तबाही से बचा सकता है। मुंगेर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।